Hey guys, here's Reema Sen and welcome to my channel of course. Today I'm back with my another food vlog of how to make pulao. So without wasting any time, let's start our video. And if you are new to my channel, then please subscribe my channel. And if you want to hit someone, then hit the like button. So let's get started. सबसे पहले पुलाव के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो एक बार हम लोग देख लेंगे. यहाँ है गोविंद भोग राइस हाफ किलो, स्वादानुसार सुगर. यहाँ है रिफाइंड ऑयल हाफ कप, नट्स स्वादानुसार नमक, लौंग, इलायची, दालचीनी, किशमिश, बे लीफ, काजू एंड लाल सूखी मिर्च. मैंने चावल को एक बार धो के न्यूज़पेपर के ऊपर ऐसे स्प्रेड करके सुखा लिया है ताकि चावल एक के साथ एक ना लग जाए और हमारा पुलाव बहुत अच्छा से बने. सबसे पहले हम लोग अभी चावल को थोड़ा मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ. सबसे पहले चावल में ऐड करेंगे रिफाइन ऑयल. यहाँ पे हाफ कप रिफाइन ऑयल है, इससे ज़्यादा अगर चाहिए होगा तो फिर बाद में ऐड कर लीजिएगा आप लोग. दालचीनी, इलायची का जो अंदर का पोर्शन है वो मैंने निकाल लिया है, लौंग. अब इसको अच्छा से मिक्स कर देना है. मिक्स करते करते इसमें ऐड करना है स्वादानुसार नमक देने के बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे शुगर. शुगर भी आप लोग अपना क्वांटिटी के अनुसार ऐड कर लीजिएगा. ज़्यादा मीठा खाना पसंद हो तो ज़्यादा डालिएगा और कम खाना पसंद हो तो कम डालिएगा. इसको अच्छा से मिक्स करना है. जब राइस अच्छा से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम लोग गैस में कढ़ाई को गरम करेंगे. तो मैंने गैस में कढ़ाई को गरम करने के लिए बिठा दिया है, तो कढ़ाई भी ऑलमोस्ट गरम हो ही चुका है. इसमें हम लोग ऐड करेंगे रिफाइन ऑयल 3-4 टेबलस्पून और वेट करेंगे कि तेल को थोड़ा गरम होने के लिए. जब हमारा तेल गरम हो जाएगा उसमें हम लोग ऐड कर देंगे बे लीफ्स, लाल सूखा मिर्च और हरी मिर्च. और इसको कुछ देर तक फ्राई करेंगे और 10 से 11 सेकंड तक इसको फ्राई होने के बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे काजू. इसको भी थोड़ा देर तक फ्राई कर लेंगे. तो ये कुछ देर तक फ्राई करने के बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे हमारा जो मिक्स किया हुआ राइस था उसको, और इसको भी हम लोग फ्राई करेंगे. आप लोगों को ये कंटिन्यूअसली चलाते रहना है ताकि नीचे लग ना जाए हम लोगों का राइस. और इसको थोड़ा कलर चेंज होगा, एकदम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा जब राइस का, तब तक इसको चलाते रहना है. कंटिन्यूअसली आप लोगों को ये चलाते रहना है क्योंकि नहीं तो नीचे कढ़ाई में लग जाएगा. ये देखिए ऑलमोस्ट हम लोगों का राइस का कलर चेंज हो चुका है हल्का सा. तो अभी हम लोगों को चाहिए गर्म पानी, जो आप लोगों को पहले से ही करके रेडी रखना पड़ेगा. देखिए ऐसा कलर होना चाहिए राइस का. तो पानी ऐड करने से पहले हम लोगों को सारा जो राइस है उसको एक ही जगह में ऐसे लाना है, एकदम मिडिल में. और हमारा जो स्पैचुला है उसको हम लोग एकदम मिडिल में ऐसे प्लेस कर देंगे ताकि हम लोगों को जो पानी का क्वांटिटी है वो हम लोग समझ पाए. तो इसमें हम लोग अभी गर्म पानी ऐड करेंगे. क्वांटिटी होगा कि जितना डेप्थ है उसका डबल, आप लोगों को देखने से पता चल जाएगा. अभी
जितना राइस होगा, राइस का क्वांटिटी जो है उससे डबल क्वांटिटी का अभी पानी डालना है इसमें। और पानी डालते ही इसको थोड़ा एक बार चला लेना है। गर्म पानी ऐड करते ही हम लोग फ्लेम को लो में रखेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो राइस है उसको बॉयल होना है, इसलिए लो फ्लेम में इसको होने देना है। और आप लोग अगर चाहे तो इसका ऊपर थोड़ा ढक के रख सकते हैं, इसको ढक के पकाने से इसका जो फ्लेवर है वो बाहर नहीं आएगा। सर 7 to 10 मिनट आप लोगों को एक बार चेक करना है कि हमारा पानी का क्वांटिटी एकदम ठीक था या नहीं। तो हमारा पुलाव रेडी है। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे नट्स एंड किशमिश, उसको मिक्स कर देंगे। और इसमें अभी फिलहाल लास्ट में एक प्रोसीड्योर है जो इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1 to 2 teaspoon ऑफ घी। उसको एक बार मिक्स कर देंगे अच्छा से। तो हमारा पुलाव रेडी हो चुका है, अभी हम लोग इसको सर्व कर देंगे। तो ये हमारा पुलाव एकदम बनके रेडी है। आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।